सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं रोहन मकानिया। तो भाई आपको फ्रेम में दिख रही होगी, एक तरफ ग्रैंडफादर, एक तरफ बिग डैडी। अब मैं इसको ग्रैंडफादर क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि पहले तो भाई यही आती थी स्कॉर्पियो क्लासिक अपनी, तो आज इनकी करेंगे ड्रैग रेस अभी अपनी क्लासिक। अब इसकी जो पावर स्पेक्स है वो थार से बिल्कुल सेम कर दी है, यानी कि हॉर्स पावर 130 आती है, टॉर्क इसमें आता है 300 Nm टॉर्क आता है, 130 हॉर्स पावर आती है। और इसकी हॉर्स पावर की बात करूँ तो 175 है, 400 Nm ऑफ टॉर्क है। 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है, ये अपनी 6-speed मैनुअल के साथ आती है। और वेट में भी काफ़ी डिफरेंस है, ये अपनी 1800 किलो की और ये अपनी 2100-2200 किलो होगी। दोनों ही रियर व्हील ड्राइव है, दोनों ही लेडर ऑन फ्रेम है। आज इनकी करेंगे ड्रैग रेस। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपने क्लासिक के ओनर से। कैसे हो सिद्धार्थ भाई? भाई क्या लग रहा है ड्रैग रेस करने आए हो इसके साथ? भाई जीतेगी है, लेकिन वैसे देख लो कौन किसको ज्यादा पसंद करता है। हाँ, लुक्स में तो भाई देखो पीछे से कहीं ना कहीं क्लासिक ज्यादा अच्छी लगती है, और आगे से मेरे को एन ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। और देख लो हाइट में भी काफी डिफरेंस है भाई, ये वाली क्लासिक जो है इससे ऊंची है, पर जो बोनट है वो एन का ज्यादा ऊंचा है। पता नहीं महिंद्रा ने अब कैसा डिजाइन कर दिया, इसको भी ऊंचा बना देना चाहिए था। बाकी इनकी करते हैं ड्रैग रेस और पूछते हैं अपने भाई से, भाई क्या लग रहा है आज? भाई एन जीतेगी, एन ही लग रही है मेरे को भी। मैं बताऊं क्योंकि पावर का भी फर्क है, मैनुअल का एडवांटेज कितना भी ले लेगी कोई गाड़ी। और दूसरी बात यह है कि इसमें लैग भी बहुत है मैनुअल गियर में, क्योंकि वही थार वाला है इसमें तो। बाकी करते हैं इनकी ड्रैग रेस और दिखाते हैं आपको रिजल्ट क्या रहता है। बाकी तो एन ही लग रही है। तो भाई आगे अपने पहले राउंड के लिए, और जूम मोड में मैंने लगा लिया और ट्रैक्शन इसका कर दिया मैंने ऑफ। उसमें कोई मोड आता नहीं, ट्रैक्शन पूछ लेते भाई से। भाई ट्रैक्शन आता है? नहीं आता ना, रॉ गाड़ी है बिल्कुल, रॉ गाड़ी है बिल्कुल ना, मोड आते हैं। ठीक है, एसी ऑफ है, चलो रेडी। हाँ जी रेडी भाई, 3-2-1 चल 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 चल। ये देख लो भाई लैग मार देती है भाई, मार देती है भाई। ओ भाई डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है, इतना कोई गैप है नहीं? नहीं नहीं भाई, सैलरी भाई गैप है यार। ये देखो अब बन गया भाई गैप। ले लो ब्रेक, ले लो ब्रेक, 120 पहुंच गई है। उसको आने का मतलब तो है नहीं भाई, ना, 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 ना। उसको जैप मोड में करते हैं एक बार। इसको ना जैप मोड में करते फिर पता लगेगा, बल्कि इस ट्रैक पे ज्यादा भीड़ है आज इस वाले पे ना। ऐसे ही भाई, अब कोई ट्रैक ही नहीं बचा के भाई, उस टाइम कोई दिक्कत तो नहीं रही। हां फिर बता भाई, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं रही? सब नॉर्मल था, भगने में तो भाई वही है, भगने में तो यही है। सही कह रहे हो, एक बार लॉन्च कर दो ना बढ़िया से, व्हील स्पिन मारते हुए तभी तो आएगा मजा। मार देंगे भाई, चलो ना, बड़े दिल का आदमी है, पंजाबी है यार, पंजाबी वीर है, फिर की होया है। चलो जी 3-2-1 भाई लॉन्च नहीं है अभी भी, वो इसलिए रह गई भाई, वो लॉन्च नहीं हो रही ना, वो हो ही नहीं रही। इसका मतलब सिद्धार्थ ने तो करी होगी अपनी बार। हाँ लॉन्च नहीं हुई बढ़िया से भाई, भाग ही नहीं रही वो इतनी जितना हमें लग रहा था भाई। वो थार की भी तो स्पेक्स है ना यार। हाँ ले लो क्या भाई, ब्रेक ही ले लेता हूँ। व्हील स्पिन मारे थे थोड़े से? नहीं मारी नहीं, वैसे बता रहा हूँ दिक्कत नहीं थी। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं, ट्रैक्शन आता नहीं ना इसमें। चलो फाइनल करें फिर, करते हैं मैं जैप मोड में लगा लेता हूँ, डाल लेते हैं अभी पावर मोड में थी तो भाई अब कर रहे हैं थर्ड राउंड, और मैं इसका डाल लेता हूँ जैप मोड। जैप मोड में क्या पता थोड़ा डिफरेंस आए, बाकी मुझे लगता नहीं इतना आएगा जैप मोड में। चलो करते हैं लास्ट राउंड यहाँ से भाई, वो लॉन्च नहीं हो पा रही है भाई, क्या दिक्कत है भाई? नहीं होती, गियर बॉक्स लगिश है उसका काफी, इसलिए नहीं हो पा रही भाई लॉन्च। कई लोग के कमेंट मत करना लॉन्च क्यों नहीं कर रहे, क्या है लॉन्च नहीं हो रही भाई वो। चलो भाई करते हैं लास्ट राउंड, ये निकल जाए लोग थोड़े बहुत। 2-1 ये देखो मौसम बनाती है। हाँ वो सेकंड गियर लगते ही ना उसका, ओ भाई फिर वो ही रहेगी यार, क्या करें। मैं भाई मैं कह तो रहा हूँ मौसम तो बनाती है, देखो कितने पीछे रह गई यार। थार का क्या ट्यून डाल दिया इसमें यार, जो पहले वो थी ऐसे 11-140 हॉर्स पावर वाली, वो तो क्या भगती थी वो तो भाई, इनोवा को इतनी टक्कर पता नहीं यार क्या कर दिया उन्होंने। एसी ऑन कर लो इससे बढ़िया तो, इसका एसी ऑन जिप मोड में डाल दूं क्या? लास्ट राउंड करके देख लेते हैं, जिप मोड में डाल देता हूं भाई, जिप मोड में तो बहुत दब जाती है ये, बहुत ज्यादा दबती है। चलो ओपन चैलेंज दे रहा है किसको? एन को। कैसे? कह रहा भाई देखो रेस में तो यही है। हाँ कह रहा यहाँ पे कुदा, एक बार मैं कुदाता हूँ फिर एन कुदाओ। कहाँ से कहाँ से कुदानी है यहाँ पे भाई, क्यों गाड़ी तोड़ रहे हो भी? नहीं नहीं है यही तो बात है भाई।
भाई उतर तो ये भी जाती है पर गाड़ी तोड़ने का फायदा नहीं, मेहनत के पैसा से आई है भाई, मेहनत कैसे आई है भाई, सारी मेहनत से आई है, कूद तो जाएगी पर कोई फायदा नहीं भाई, क्या फायदा। चलो अब भाई मैंने डाल लिया लास्ट राउंड में जिप में, और उसका तो कोई मोड है ही नहीं, एसी भी ऑन कर लिया मैंने, तो अब देखते क्या फर्क रहता भाई। एक मिनट, 3 2 1 भाई जिप मोड में भी नहीं आ रही भाई, उछल जाती है वो, हालांकि फर्क अब कम है, फर्क तो कम है पर भाई स्टिल यार, जब तक वो ढंग से लॉन्च नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। क्या है यार, एक के भाई मजा था नहीं आ रहा, क्या बात है, एक फेर कर रहा हूँ ना, सिंगल वाला है ना, यही जीत रही है। चलो जी ऐसा ही कुछ है भाई रिजल्ट, एक बार अब सिंगल करते हैं, उसको कंसीडर करेंगे लास्ट राउंड जो मजेदार वाला होगा। तो भाई यहाँ से करते हैं इसका लास्ट राउंड, अब मैंने डाल लिया जूम में, ट्रैक्शन ऑफ है इसका। चलो जी 3 2 1 अब भाई अज्ञा भाई ने करी है भाई लॉन्च सही से भाई, अब उठ रही है, पर भाई देख लो भाई इतना गैप तो कम कर दिया, पर स्टिल यार एंड में ज्यादा पावर है तो भाई वो भगेगी, और भाई अब तो गैप बनाते हुए जा रही है भाई, गैप ही बनाया जा रही है भाई, वो स्टिल यार कोई फायदा नहीं भगाने का, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आगे लोग भी हैं तो कोई फायदा नहीं भाई। देख लो आप एनी जीतती है एनी डे भाई, इसलिए तो महिंद्रा ने अपग्रेड करा, कुछ नया दिया यही है बस भाई, महिंद्रा ने जो है ना वो गाड़ी जो है लुक्स के लिए छोड़ दी, उतना उसको कोई पावर पे या उस पर कुछ इतना दिमाग नहीं लगाया ना कोई R&D करी, बस ये है कि लोगों को पसंद है लुक्स है या क्या है, इसलिए जो है महिंद्रा ने वो वाली क्लासिक के नाम से लॉन्च कर दी, और जिसको कंफर्ट चाहिए सारी चीज चाहिए उसके लिए N है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको क्लासिक लेनी है या N लेनी है। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा, चाहे इसको स्कॉर्पियो को क्लासिक को जो है अपनी जैसे मर्जी चला के देख लो भाई, जीतना N ही है, क्योंकि भाई महिंद्रा ने इस पे अब पावर के अकॉर्डिंग कोई R&D नहीं करी, महिंद्रा ये कहती है कि भाई जिसको लुक्स के लिए जाना है वो क्लासिक पे जाओ, जिसको सारी चीज़ चाहिए ओवरऑल पैकेज चाहिए वो N पे जाओ, बाकी भाई अभी भी लोग लुक्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, तभी भाई ने अपने क्लासिक ली है, और यही कुछ रहता है इसका रिजल्ट। बाकी अज्ञा भाई से पूछते, उन्होंने भी चलाई भाई, क्या फील लगा आपको भाई? ये गाड़ी ना वैसे जान पूरी लगाती है भागने में, और भागती भी है अगर आप इसको इसे क्लासिक या थार वार इनसे कंपेयर करो तो, लेकिन पावर इतनी कम कर दी कि मजा नहीं आता। फर्स्ट सेकंड तक भागती है, जान फिर भी दिखाती है, फोर्थ के बाद भी जान दिखाती है, लेकिन गैप ही इतना बन जाता है फिर नहीं पकड़ पाती, फिर तो पकड़ नहीं पाएगी। और यही अगर इसमें ट्यून होता ना वही पुरानी ऐसे 140 और 320, ये टायर भी बड़े हैं तो रोड और पकड़ के चलती, फिर नहीं हरा सकता था इसको N वाला बंदा, मतलब अब वो तो रेस करके पता लगेगा, मेरे को पता है ना, पर मेरे को ये लगता है कि उसमें भी गैप कम होता। मैंने इनोवा और S11 की करी है, और इनोवा स्कॉर्पियो तो इनोवा स्कॉर्पियो से जीत जाती है, और जो S11 और इनोवा के ड्रैग रहता है ना उसमें फर्क नहीं रहता, इतना फर्क नहीं रहता, बम्पर पे ही होती है S11। अच्छा तो भाई देख लो यही कुछ फर्क था, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, अपने यज्ञ भाई को भी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।